Hi everyone. Today's problem of discussion is a final account problem which is related to a current account. That means in your trial balance, there will be a capital account given, there will be a current account given. When capital account and current account both are given, then you have to understand that the partners are following a fixed capital system. A fixed capital system matlab, capital account or current account jab dono diya rehta hai, तो जो कैपिटल है वो डायरेक्टली बैलेंस शीट के कैपिटल में जाएगा और जो करंट अकाउंट है उसके लिए हम अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। प्रॉब्लम सेम तरीके से ही करना है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाया दिया जाएगा तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने का, तो बनाने का करंट अकाउंट और सारे ट्रांजैक्शन दिल्ली इधर सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से करने का और जो कैपिटल अकाउंट रहेगा वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, मैं सब सॉल्व करके बता दूं। टुडेज होमवर्क प्रॉब्लम इज सुदर्शन ट्रेडर्स, अ पार्टनरशिप फर्म इन विच देयर आर टू पार्टनर्स राम एंड कृष्णा शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। एंड नाउ व्हेन यू सी द ट्रायल बैलेंस यू विल सी दैट कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बोथ आर गिवन। दैट मींस यू हैव टू प्रिपेयर विच अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली जाएगा बैलेंस शीट में। एडजस्टमेंट नंबर 1 इज रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट नंबर 2 इज रिलेटेड टू पार्टनर्स सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन, बाद में देखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3 इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो कैपिटल पे टिक मार्क। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे टिक मार्क। 3000 फ्रॉम कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल मतलब बैड डेट्स, तो डेटर्स और बैड डेट्स पे टिक मार्क। नेक्स्ट इज प्रीपेड इंश्योरेंस, सो इंश्योरेंस पे टिक मार्क। माय नेक्स्ट स्टेप विल बी पोस्टिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सी आई हैव डन ऑल द पोस्टिंग्स हियर बट आई हैव नॉट डन द पोस्टिंग ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट बिकॉज ये प्रॉब्लम नया है। कैपिटल अकाउंट ऑफ राम इज 1,60,000 एंड श्याम इज 80,000। नॉर्मली कैपिटल अकाउंट आता है कैपिटल अकाउंट में, बट यहां तो कैपिटल अकाउंट ही नहीं बनाया है, तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है देन कैपिटल विल गो इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में राम का कैपिटल, राम और कृष्णा, राम 1,60,000, कृष्णा 80,000, टोटल कैपिटल इज 2,40,000। होप दिस इज क्लियर। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट आइटम अंडर दैट, करंट अकाउंट ऑफ राम इज 8,000। मतलब राम के दिस इज राम, दिस इज कृष्णा, दिस इज राम, दिस इज कृष्णा। राम के करंट अकाउंट का बैलेंस है 8,000, बट द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कैन बी क्रेडिट कैन बी डेबिट। सो चेक, राम का बैलेंस क्रेडिट में है कि डेबिट में है। तो राम का बैलेंस जो 1,60,000 है, सॉरी राम का बैलेंस जो 8,000 है वो क्रेडिट में है। इसका मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और राम का अकाउंट 8,000 से क्रेडिट। लेकिन कृष्णा का क्रेडिट नहीं है, कृष्णा का अकाउंट इज 4,000 डेबिट। सो डेबिट में मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कृष्णा का बैलेंस है 4,000 डेबिट। होप दिस इज क्लियर। करंट अकाउंट में राम का बैलेंस क्रेडिट है, कृष्णा का बैलेंस डेबिट है। राम का बैलेंस क्रेडिट है, कृष्णा का बैलेंस डेबिट है। तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, डेबिट बैलेंस डेबिट में जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 इज क्लोजिंग स्टॉक, ऑलरेडी आई हैव डन द इफेक्ट्स हियर। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट, दिस इज द सेकेंड इफेक्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 इज राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000। राम को 6,000 रुपए सैलरी मिलेगा। सैलरी शीला रोज दिन भर याद है ना तुमको, सैलरी कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। पहले से सैलरी लिखा है बट ये सैलरी तो हो सकता है ऑफिस के स्टाफ का होगा, तो उसको मैंने अलग ही कंसिडर किया है। अब नीचे मैं लिखूंगा टू राम्स सैलरी। राम का सैलरी कितना है? 6,000। क्वेश्चन में बोला है राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000, तो राम का सैलरी है 6,000। यहां पे डेबिट। द एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू राम, इट इज रिलेटेड टू द पार्टनर। तो कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, करंट अकाउंट बनाया है, तो करंट अकाउंट में जाएगा। तो यहां पे डेबिट, तो यहां पे क्रेडिट बाय सैलरी। राम का कितना सैलरी? 6,000। कृष्णा का सैलरी है क्या? नहीं। आगे चलते हैं। कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन एट 3% ऑन सेल्स, अ कमीशन एट 3% ऑन सेल्स।
कृष्णा को 3% मिलेगा सेल्स के ऊपर, तो सेल्स चेक करते हैं कितना है, 2,08,000 है, तो 2,08,000 का 3% 10% 10 जाएगा तो 1% 20 जाएगा तो इंटू 3 दैट इज 3 0 0 0 3 8 24 3 0 0 2 3 6 6 2 4 0 is commission. अरे समझ में आ रहा है, ये कृष्णा का कमीशन है, तो कमीशन कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. पहला टू कृष्णास कमीशन कितना 6240, यहां पे डेबिट, यहां पे डेबिट, तो कृष्णा का कमीशन उसके अकाउंट में क्रेडिट, सेम इफेक्ट बाय कमीशन, कृष्णा का 6240 कमीशन. होप दिस इज क्लियर. एडजस्टमेंट नंबर इज 3. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 5%. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 5%. बच्चे पूछेंगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालने का, इंग्लिश में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल पे निकालेंगे, 5% निकालना है ना, तो देखो कैपिटल यहां पे लिखा है 1,60,000 का 5% इज 8,000 और इसका 5% इज 4,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट यहां पे है, दिल्ली इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे आता है, कैपिटल का 1,60,000 का 5% मींस 8,000 और उसका 5% इज 4,000. यहां पे क्रेडिट इंटरेस्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. राम और कृष्णा, राम का 8,000 कृष्णा का 4,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% ऑन मशीन शेलो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%. 5% विल बी 3150. ओके 6,300 का आधा 3150, वहां पे डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट शीला रोज दिन डेप्रिसिएशन इज 3150 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर इज 5. प्रोवाइड 3,000 फ्रॉम कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल. 3,000 फ्रॉम कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल मींस bad debt. Bad debt given in the adjustment is always a further bad debt. So bada faltu na mosama, faltu is 3,000. Next less further bad debt, यहाँ पे आता है debtors में से less होता है further bad debt. Okay. Next adjustment, adjustment number 6. Prepaid insurance, prepaid less asset. तो less asset, तो insurance में से less. प्रीपेड कितना प्रीपेड है 500. दूसरा इफेक्ट असेट प्रीपेड इंश्योरेंस इज 500. नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर इज हो गए, एडजस्टमेंट सब कंप्लीट हो गए. लास्ट हिडन एडजस्टमेंट है क्या चेक कर लेते हैं. एक हिडन एडजस्टमेंट है, देखो कुछ तो गड़बड़ है. देखो यहां पे बॉन्ड में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, कुछ तो गड़बड़ है. कितना पैसा लगाया है हमने, लगाया है बॉन्ड में 15,000 रुपया. कितना पैसा लगाया है 15,000. नाउ 15,000 इज योर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, यू आर गेटिंग 12% इंटरेस्ट. बट क्या वो बॉन्ड कभी खरीदा है, उसका डेट दिया है क्या? यस डेट इज गिवन. सी इट इज परचेज्ड ऑन 1st January. इट इज परचेज्ड ऑन 1st January, दैट मींस जनवरी फेब्रुवरी मार्च, 3 महीने का हमें इंटरेस्ट मिलना बाकी है. 3 महीने का हमें इंटरेस्ट मिलेगा. यू ऑल हैव परचेज द गवर्नमेंट बॉन्ड्स 15,000 rupees. यू आर गेटिंग 12% इंटरेस्ट. नॉर्मल सम में बस इतना ही रहता है, नंबर रहता है और परसेंट रहता है. बट ये एबनॉर्मल सम है, इसमें डेट दिया है. डेट क्यों दिया है, वो बताने के लिए डेट दिया है कि हमने वो पैसा कब इन्वेस्ट किया है. तो पैसा कब इन्वेस्ट किया है, 1 January को. इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट हमें मिलेगा, 3 महीने का. 3 upon 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 15 3 is 45, दैट इज 450. कितना आएगा 450. हमेशा याद रखना 12% गवर्नमेंट बॉन्ड. परसेंटेज आया एड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग
इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 450। सेकेंड इफेक्ट डेबिट में ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, हाउ मच 450 क्रेडिट। एक इफेक्ट डेबिट, डेबिट में ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, एक इफेक्ट डेबिट दूसरा इफेक्ट क्रेडिट। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हिडन एडजस्टमेंट समझ में नहीं आते हैं, तो हिडन एडजस्टमेंट हर प्रॉब्लम में एक या दो रहेंगे, उसको समझ के लो, बराबर से समझ के लो। कैसे करना है, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड था, एड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग करना है, 15,000 का 12% निकाल रहा था बट डेट दिया था, डेट दिया था इसका मतलब कब इन्वेस्ट किया है वो मालूम पड़ेगा। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना हुआ इन्वेस्ट करके, तो ब्याज का पूरे साल का देंगे क्या? नहीं, 3 महीने का ही देंगे। तो 3 महीने का ब्याज आएगा 450 ऐड किया डेबिट में, ऐड किया डेबिट दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, दैट मींस आई हैव कंप्लीटेड ऑल द एडजस्टमेंट्स। अभी क्लोजिंग करता हूं, सारे नंबर्स को पहले आउटर कॉलम में ट्रांसफर करता हूं। फर्स्ट वी विल क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड इज मोर, सो विल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर क्रेडिट साइड, 2,08,000 + 38,000 इज 2,46,000, 2,46,000। देन टेक द टोटल ऑफ द एक्सपेंसेस, द टोटल ऑफ द एक्सपेंसेस विल बी 1,37,760। नाउ यू सब्सट्रैक्ट 2,46,000 - 1,37,760, टेन माइनस सिक्स इज फोर, टू एट 108,240, सो यू विल गेट 1,08,240 एज योर ग्रॉस प्रॉफिट, एज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट इज डेबिट, इट गोज देयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, इट बिकम्स क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 1,08,240। टेक द टोटल, दैट विल बी 1,08,690. Take the total of the expenses with pencil, 0, 4 plus 5 is 9, 0, 2, 3, 5, 8, 8 plus 8 is 16, 6, 1 carry, 1 plus 3 is 4, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 7, 2, 2 plus 1 is 3. So your answer is 37,690 is your total expenses. So 37,690 minus 1,08,690, 1,08,000 minus 37 is 71. 71,000 is your answer. 71,000 will be called as net profit. Where it will go? Debit. So partner's current account, it is transferred in Ram and Krishna, but ratio is given. Yes, ratio is given. The ratio is given on the top of the problem. It is given that they share profits and losses in the ratio 3:2. So I will write 71,000 into 3 divided by 5. 71,000 into 2 divided by 5. Hope you understand. उनका रेशियो 3:2 है, मतलब टोटल हिस्से कितने हैं 5, उसमें से 3 हिस्सा किसका है? राम का। 2 हिस्सा किसका है? कृष्णा का। तो 3 हिस्सा 5 में से, 2 हिस्सा 5 में से, सो डिवाइड बाय 5, 5 1 5 5 1 5 5 4 25 2 10 0 0 3 0 0 0 6 3 12 3 3 4, एंड हियर यू विल गेट 2,84,000। ओके, सो यू विल गेट 42,600 and 28,400 debit. So here it will be credit by net profit 42,600 and 28,400. Now you will close this account. The total of Krishna's credit side is more. So 4,000, 10,000, 38,000, 38,640 minus 4 is 34,640. 8 plus 8 is 16, 16 plus 6 is 22, 22 plus 42 is 64,600 minus kuch nahi yahan pe, 64,600, this will be called as 2, balance carried down debit, so it goes on the credit side.
क्रेडिट साइड यू विल राइट करंट अकाउंट राम कृष्णा 64,600 and 34,640. Take the total. The total will be 4,02,040. Debit side also take all the terms on the outer column. Total will be 4,02,040.